लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद सदमे के दौर से गुजर रही कांग्रेस अब खुद को संभाल रही है। यही वजह है कि अब संगठनात्मक रूप से पार्टी को मजबूत करने के लिए आला कमान फोकस्ड है और यही वजह है प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश का प्रभार पूरी तरह से सौंप दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद प्रियंका को पूरी तरह उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। गौरतलब है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को सक्रिय राजनीति में उतार कर ध्रुव की चाल चली थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन्हें यूपी का प्रभार दिया गया था। ये कहना भी गलत नहीं होगा प्रियंका की आमद से उत्तर प्रदेश में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस में जान आ गई थी। हालांकि वो अलग बात है कि कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहरहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तीफा देकर एक तरह से वापस मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। मैं कभी भी बैकफुट पे बैटिंग नहीं करता। फ्रंट फुट पे करता। जो परिणाम आए हैं वो सरमाथे हैं। इधर सिंधिया को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग और अटकलों का बाजार भी खासा गर्म है। कुल जमा देखा जाए तो कांग्रेस में बदलाव का वक्त है और जिस तरह राहुल गांधी ने इस्तीफा देकर अपना इरादा साफ कर दिया है उससे यही जान पड़ता है कांग्रेस को नए सिरे से संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। हालांकि ये भी तय है कि गांधी परिवार की धुरी पर ही पूरी कांग्रेस घूमती है। यही वजह है राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद प्रियंका गांधी को फ्रंट फुट पर लाया गया। रहा सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो मध्य प्रदेश की सियासत में फिलवक्त वो सबसे चर्चित और डिमांडिंग शख्स हैं और कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आला कमान कोई फैसला करता है तो सिंधिया का नाम फहरिस्त में सबसे ऊपर माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी अध्यक्ष की तलाश है। यूपी की जिम्मेदारी से इस्तीफा देकर ज्योतिरादित्य का मध्य प्रदेश में सक्रिय होना और प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी का पूरा प्रभार देने से मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यूपी ने इस देश को कई प्रधानमंत्री दिए तो क्या प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री का उत्तर प्रदेश से बड़ा कनेक्शन है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को अब पूरी उत्तर प्रदेश का प्रभार बना दिया है तो इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी से पदाधिकारी पदों से इस्तीफा और फिर मध्य प्रदेश में नए अंदाज के साथ सिंधिया की एंट्री। हालांकि सिंधिया का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था मैं बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर खेलता हूं, उनके समर्थकों की कांग्रेस अध्यक्ष बनने की मांग, कहीं उनका ये अंदाज उसी का इफेक्ट तो नहीं कि कांग्रेस अब नए रूप में खुद को ढालने की तैयारी में है। क्या प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी नए रूप को अमली जमा पहना रहे? जी हाँ, यही आज का हमारा विशेष उत्तर प्रदेश में प्रियंका एमपी में इफेक्ट। इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, आपसे आपसे उनका तारुफ कराते हैं। गौरव चतुर्वेदी हमारे साथ, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एक और रहेंगे संदीप पुराने जी, आपका भी स्वागत है। गौरव जी, शुरुआत आपसे ही करूं, जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में आते हैं एक अलग अंदाज में नजर आती हैं, वहीं प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा रही है, किस तरह देखा जाए? देखिए, सिंधिया जी का जो भी अंदाज रहा है जी, नया अंदाज नहीं है। जब भी वो मध्य प्रदेश आते हैं वो इसी प्रकार आते हैं, भले उनके आने के अंतराल में लंबा समय लगता हो, 6 महीने 7 महीने लगते हैं, लेकिन ये सिंधिया घराने की पुरानी आदत है जिसके कारण जो लगातार आम जनता और आम कार्यकर्ता के साथ जुड़ाव होना चाहिए वो जुड़ाव लगातार नहीं बन पाता है। उनका जो समर्थकों का हुजूम है वो हुजूम वहीं पर टिका हुआ है, उससे ज़्यादा बढ़ के नहीं आ पाया। बात प्रियंका गांधी की करें तो प्रियंका गांधी स्वाभाविक तौर पर जो उनको जवाबदारी सौंपी है वो बहुत बड़ी जवाबदारी है जी। और जो समय व्यक्तित्व वाले नेतृत्व का चल रहा है, व्यक्तिवादी नेतृत्व को भारने का चल रहा है, उसमें प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में क्या असर दिखाएंगी ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, उनके रहने से कांग्रेस पार्टी में वहां पर जाना ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस अभी भी हर पूरे देश में बहुत छोटे छोटे गुटों में बटी हुई है। अगर वो एक ताकत बनकर खड़ी हो जाए तो उस ताकत का लाभ मिल सकता है। हो सकता है शायद यही सोचकर प्रियंका गांधी को वहां जवाबदारी सौंपी गई है कि एक चेहरे
चेहरे के पीछे पूरी की पूरी कांग्रेस एकजुट हो जाएगी। जी बिल्कुल संदीप जी, क्या कहा जाए, क्योंकि गौरव जी ने कहा है कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी है, एक ताकत बनाने की कोशिश की जा रही है, यही बदलाव देखने की कवायदें तेज हो गई हैं। तो क्या लगता है प्रियंका गांधी को जिस तरह से जिम्मेदारी दी जा रही है, कितनी कांग्रेस में बदलाव आ सकता है? देखिए कांग्रेस और गांधी परिवार जी दूसरे के पूरक हैं, यूं कह दें। अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को सक्रिय किया गया है तो ये संभवतः हमें लगता है कि श्रीमती गांधी के बाद का यह पहला ऐसा फेज होगा जब किसी गांधी परिवार के व्यक्ति को पूरी तरह उत्तर प्रदेश में सक्रिय किया गया है। जी प्रियंका गांधी के आने से एक बात तो तय है, जैसा गौरव भाई ने कहा कि गुटबाजी तो नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के किसी नेता में किसी भी राज्य का हो इतना साहस तो नहीं है कि वह गांधी परिवार के व्यक्ति के सामने कुछ आवाज कर सके। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होती है तो यह तय है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी, और जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की राजनीति का रास्ता जाता है, लिहाजा कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान दी है। अब इस कमान सौंपे जाने का राष्ट्रव्यापी क्या असर होगा, इसे बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा राजनीतिक तौर पर। बिल्कुल, और गौरव जी, जिस तरह प्रियंका गांधी को लेकर बात की जाए या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बात की जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में एक एक्टिव अंदाज में यहाँ पर नजर आते हैं, एक अलग ही उनका अंदाज दिखाई देता है जब मध्य प्रदेश आते हैं तो, और इन दोनों को ही जोड़कर अगर देखा जाए तो दोनों को ही उत्तर प्रदेश की कमान दी गई थी, हालांकि जिस तरह से नतीजे आए वो सबके सामने। तो ऐसे में इस तरह जो जिम्मेदारियाँ आ रही हैं तो कांग्रेस में जो बदलाव की बात की जा रही है, कितना बदलाव जो है तस्वीर के रूप में सामने आ सकता है? देखिए उस समय लोकसभा चुनाव के पहले जो जवाबदारियां प्रियंका गांधी जी को और ज्योतिरादित्य को दी गई थी जी। वो समय की मांग थी, चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र आते हैं वहां पर, तो वहां पर एक व्यक्ति के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता था, क्योंकि चुनाव में सिर्फ चेहरा ही महत्वपूर्ण नहीं होता, जो रणनीतिक बातें रहती हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहती हैं, छोटे छोटे हर सीट पर मिजाज चेंज हो जाता है, हर सीट पर रणनीति एक अलग तरीके की बनाना पड़ती है जी। उस लिहाज से कांग्रेस ने यह प्रयोग किया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब अगले लोकसभा चुनाव में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, इस वक्त को कांग्रेस के पक्ष में मोड़ने के लिए प्रियंका गांधी को पूरी जवाबदारी दे दी गई है, जिससे प्रियंका गांधी एक पूरा पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बना सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होना है, अगर उसमें परफॉर्मेंस कांग्रेस ने अपना सुधार लिया जी। और जो वहाँ की राजनीति जातिवादी राजनीति और बाहुबली जो राजनीति है, अगर उसमें प्रियंका गांधी एक स्वच्छ चेहरा बनकर वहाँ दिखाई दे सकती है और पूरे मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रभावित करने का काम कर सकती है, लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती वहाँ पर नरेंद्र मोदी भी हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और बनारस सीट से वो लोकसभा चुनकर आए, तो वहां पर अगर देखा जाए तो आने वाले समय में मुकाबला अब राहुल बनाम मोदी का नहीं, प्रियंका बनाम मोदी का होने की संभावना रहेगी, क्योंकि मोदी जहां पर चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर वो एक फेस के तौर पर स्थापित होते चले गए। ये उनकी तात्कालिक रणनीतियां थी कि पूरे देश में चूंकि मोदी को प्रोजेक्ट करते हुए जाना था, इसलिए वहां पर विधानसभा चुनाव में वो प्रमुख चेहरा रहे। अब उत्तर प्रदेश में प्रियंका बनाम मोदी एक चेहरा रहेगा और देखना है कितना असर करता है ये। बिल्कुल, और संदीप जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अगर बात की जाए तो हाल ही में जब भोपाल दौरे पर आए थे, डिनर पार्टी भी काफ़ी चर्चाओं में रही थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट किया और एक अलग भूमिका में नजर आए थे जिस दिन वो यहाँ पर आए थे, तो क्या लगता है जिस तरह उनके समर्थक मध्य प्रदेश में भी, हालांकि देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष की दरकार है कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश अध्यक्ष है क्योंकि राहुल गांधी इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अलग मोड में नजर आए थे, क्या कुछ मायने निकाले जाए इसके, क्योंकि उनके समर्थक मांग तो जरूर कर रहे हैं अध्यक्ष पद को लेकर। देखिए सिंधिया के समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष की भी मांग की और राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाने की मांग की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सारे लोग बैकफुट पे आ गए। जहां तक सिंधिया का मध्य प्रदेश दौरा है तो इसका अगर राजनीतिक अर्थ निकालें आप तो वो अध्यक्ष की लॉबिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण वो कांग्रेस को एकजुट दिखाने का और आपसी समन्वय के प्रदर्शन का एक जरिया था। जी सिंधिया का दौरा हुआ, आप ये देखें तो पहले वो विधानसभा जाते हैं, उसके बाद वो कमलनाथ के साथ लंच करते हैं,
उसके बाद वो आम लोगों से कॉफी हाउस में मिलते हैं और कार्यकर्ताओं की बैठक करते हैं, और रात को तुलसी सिलावट के घर पे वो भोज में शामिल होते हैं, जहां सारे विधायक, अमूमन कहें दो चार को छोड़ के, सभी विधायक वहां पहुंचते हैं। तो ये कांग्रेस की कोशिश, या यूं कहें कि सिंधिया द्वारा ये बताने की कोशिश थी कि हम कमलनाथ से अलग नहीं हैं, जिस तरह से राज्य में प्रचारित किया जा रहा था कि सिंधिया के समर्थक जो विधायक हैं या सरकार में मंत्री हैं, वह मुख्यमंत्री कमलनाथ से नाराज हैं। और हालांकि इस बात के संकेत भी दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के, अलग अलग बटकर काम करने की जरूरत नहीं है, एकजुट होकर सामने आएंगे तो कांग्रेस एक अलग पार्टी बनेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सिंधिया का ये दौरा उसी लिए था, इसका कोई अर्थ नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष से, क्योंकि ये बात अलग है कि सिंधिया के दौरे के बाद, दौरा तय होने के बाद कर्नाटक और गोवा एपिसोड हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही थी कि कर्नाटक में ये हो सकता है। कांग्रेस ये चाहती है कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक का या गोवा का कोई इफेक्ट ना हो, उस इफेक्ट से बचने के लिए सिंधिया का दौरा यहाँ हुआ, और ये प्रदर्शित करने की कोशिश की गई कि 230 विधायकों में से 121 विधायक उनके साथ हैं, यानी बहुमत उनके साथ है, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। सिंधिया ने अपने विधायकों से और सारे विधायकों के साथ एक बैठक करके या मुलाकात करके भोज में शामिल होने के साथ प्रदेश की जनता को संदेश देने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। और संदीप गौरव जी, बात की जाए जैसे संदीप जी ने कहा है कि वक्त बदला तो जो है सिंधिया समर्थक बैकफुट पर आते नजर दिखाई दिए, लेकिन जिस तरह सिंधिया को लेकर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं बैकफुट पर नहीं आता, फ्रंट फुट पर आकर काम करता हूं। तो कितना तालमेल बिठाया जाए इन बातों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस में बदलाव की दरकार तो जरूर देखने को मिल रही है। देखिए, सवाल बैकफुट या फ्रंट फुट पर खेलने का नहीं है, सवाल है आप क्रीज पर कितनी देर तक टिके रहते हैं। सिंधिया खानदान के बारे में जो अपन, अगर हम कांग्रेस के इतिहास की बात करें तो ये हमेशा से होता आया, चाहे माधवराव सिंधिया जी रहे हों चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लगातार अपनी उपस्थिति प्रदेश में दर्ज नहीं करा पाते हैं, और उसके पीछे कारण है कि वो अपने आप को केंद्रीय राजनीति के ज़्यादा मुफीद मानते रहे हैं प्रदेश की राजनीति के बजाय। अभी फेवरेबल स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जरूर है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें, 2003 के पहले की बात करें, तो उस समय भी यही होता था अक्सर कि माधवराव सिंधिया जी प्रदेश में दौरा करते थे, कभी वोरा जी के साथ आते थे, कभी किसी और नेता के साथ आते थे, लेकिन फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते थे, फिर वो उनका एक लंबा अंतराल होता था, फिर वो प्रदेश में एक दौरा करते थे। सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बार उसी अंदाज में आए। अगर आप देखें लोकसभा चुनाव हारने के तत्काल बाद, एक लंबे गैप के बाद वो प्रदेश में आए, सक्रिय हुए। हालांकि इसके पीछे एक वजह यह भी है कि दिल्ली में जब राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने एक अपने मित्र के नाते ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ रखने में ज्यादा आसानी समझी थी, तो हो सकता उस कारण सिंधिया ना आ पाए हो। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो ये जो दूरियां हैं, ये अंतराल हैं, जो लंबे लंबे अंतराल हो जाते हैं, वो कार्यकर्ताओं को भी हतोत्साहित करते हैं और जो उनके समर्थक नेता हैं उनको भी हतोत्साहित करते हैं। जब तक आप लगातार क्रीज पर नहीं बने रहेंगे, तब तक आप अपनी उपस्थिति और अपनी ताकत प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और संदीप जी, बात की जाए कांग्रेस के बदलाव को लेकर, कहा जा रहा है कि एक अलग रणनीति के तहत अब कांग्रेस जो है आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, और कहा जा रहा है एकजुटता का जो संदेश कांग्रेस में अब देखने को मिल रहा है, उसी के बल पर आगे बढ़कर एक नई रणनीति के तहत जो है मैदान में उतरती दिखाई देगी। तो क्या लगता है किस तरह की रणनीति हो सकती है और कितना बदलाव कांग्रेस में देखने को मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो उनका सबसे पहला लक्ष्य, या यूं कहें कि वो पहला गोल उनका जो है, वो पार्टी पे लगने वाले वंशवाद से दूरी बनाना है। लिहाजा राहुल गांधी ने इस्तीफा इसीलिए दिया है कि विपक्षी दल है, या यूं कहें कि उनका विपक्षी दल, सत्ता पक्ष जो है भाजपा है, वो हमेशा हमले कांग्रेस पर राहुल गांधी और वंशवाद को लेकर करती है। बिल्कुल, लगातार होते रहा है। तो कांग्रेस की ये कोशिश है कि भाजपा के हाथ से एक ऐसा हथियार छीन लिया जाए जिसके जरिए वो हमेशा हमला करते हैं। एक रही बात ये। दूसरी बात अगर हम प्रदेश की करें तो प्रदेश में कांग्रेस के पास नेतृत्व करने वाले नेताओं की कमी नहीं है जी। लेकिन जो नेता हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि पूरे प्रदेश को संभाल सकें जी। सबसे बड़ी कमी जो इस समय कांग्रेस में दिख रही है, वो कोई भी एक नेता ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व कमान सौंपना चाहता है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जिसकी पहुंच पूरे प्रदेश तक हो। अगर पूरे प्रदेश तक किसी नेता की पहुंच है, या जनता तक पहुंच है, या गांव तक, कार्यकर्ता तक पहुंच है, तो उसमें एक नाम आता है दिग्विजय सिंह का जी। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व तो दिग्विजय सिंह को वो कमान नहीं सौंपेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं जी।
और दिग्विजय सिंह स्वयं अध्यक्ष नहीं बनना। लेकिन इस तरह के संकेत तो पहले भी सरकार की तरफ से निकल कर आते रहे कि अगर मध्य प्रदेश का कोई अध्यक्ष होगा तो युवा चेहरा होगा और ऐसा ऊर्जावान चेहरा होगा जो सबको लेकर साथ चल सके। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो कयास लगाया गया वो यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं। आपकी बात यह है कि युवा चेहरा है वो, लेकिन मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में ग्रामीण लेवल तक पहुंच मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वो पहुंच नहीं है जो होना चाहिए थी। हो सकता है कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद उसमें सफल हों वो वैसी अपनी पहुंच बनाने में, लेकिन वर्तमान दौर में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास ऐसे कम नेता हैं जिनकी पहुंच सीधे गांव तक हो और कार्यकर्ता तक हो और कार्यकर्ता को वो सहज तौर पर सुलभ हों मुलाकात के लिए। जी बिल्कुल। और प्रियंका गांधी को लेकर बात की जाए गौरव जी, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन जिस तरह से सक्रिय राजनीति में उनको लाया गया, क्योंकि उससे पहले जो कयास लगाए गए थे ये कही जा रहा था कि प्रियंका गांधी जो है अगर राजनीति में उतर आती हैं तो कांग्रेस बदल सकती है, तो क्या लगता है जिस तरह की कवायद निकल कर सामने आ रही कि वाकई प्रियंका गांधी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो कांग्रेस एक अलग तस्वीर में नजर आएगी? देखिए सबसे पहले तो बात हमें ये समझना होगी कि एक पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है जी, वो कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उनके खिलाफ एक अरुचि के वातावरण के साथ मतदाताओं में बात है, चाहे बात हम दिग्विजय सिंह की करें या अन्य प्रदेशों के अन्य बड़े नेताओं की बात करें। दूसरा फिर उसी के साथ अगर हम देखें तो पार्टी के कार्यकर्ता भी और समर्थक भी जी, नेताओं के समर्थक भी, वो उतने उत्साहित होकर काम नहीं कर पाते जो आपसी गुटबाजी के कारण हर राज्य में हर प्रदेश में जो स्थितियां बिगड़ी हुई थी उसके कारण भी कांग्रेस कमजोर होती जा रही। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि कांग्रेस को पूरे देश में नए चेहरों के साथ, ताजे चेहरों के साथ, एनर्जेटिक चेहरों के साथ मैदान, ताजे चेहरे मतलब युवा, युवा चेहरे जी, ताजे और एनर्जेटिक चेहरे। आज अगर हम पुराने चेहरों की बात करें, भले वो दिग्विजय सिंह सबसे ज्यादा मेहनत करते हो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर के, पूरे देश में एक वातावरण बनाने की बात करते हो, लेकिन उनका जो वर्ग है, उनको पसंद करने वाला जो वर्ग है, वो एक वर्ग अलग हो जाता है। कांग्रेस का जो बाकी वर्ग है वो दिग्विजय सिंह के पीछे लामबंद नहीं हो पाता। बात इसी तरह हम कमलनाथ की करें, बात हम इसी तरह ज्योतिरादित्य की करें, या हम सचिन पायलट की करें, या अमरिंदर सिंह की करें, ये सारे नेता जितने बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेताओं को पसंद करने वाला एक वर्ग तो है, लेकिन समूची कांग्रेस तालमेल नहीं बैठ पाता, यही कहा जाए समूची कांग्रेस उसको पसंद नहीं कर पाती है, तालमेल अलग बात है। जी। दूसरा आम जनता भी उसको लाइक नहीं कर पाती है। आम जनता किसी मुद्दे पर दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन एक वर्ग दिखाई देता, पूरे सारा वर्ग दिखाई नहीं देता। जी बिल्कुल। अमरिंदर सिंह पट के साथ दिखाई देगा। इसी प्रकार नए चेहरे चाहिए पूरे राजनीति को बदलने के लिए, युवा चेहरे, और चूंकि आने वाले समय में युवा वोटर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपन अगर हम पिछले दो चुनावों को देखें, लोकसभा चुनावों को देखें, तो युवा वोटर के सहारे मोदी ने एक अपना जादू स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन युवा वोटर को लुभाने के लिए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, या ऐसे और भी अन्य नेता हो, सचिन पायलट की बात करें, राजस्थान में भी सचिन पायलट को प्रमुख जवाबदारी दी, तो इस तरीके से नए चेहरों को उभार कर कांग्रेस को फिर से खड़े होने की आवश्यकता है, और देखना होगा कि वो चेहरे कितना असर कर पाते हैं, क्योंकि इसी के साथ साथ कांग्रेस को अपनी रणनीति में और अपनी विचारधारा में भी काफी कुछ परिवर्तित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, कई चेहरों को लेकर दरकार है कांग्रेस में, और जिस तरह से दो जगह की जिम्मेदारी, एक राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, तो संदीप जी क्या लगता है, क्योंकि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद जिस तरह से दौर चलता दिखाई दिया, क्योंकि कर्नाटक में भी एक अलग तस्वीर बनती दिखाई दी, गोवा की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक अलग तस्वीर नजर आई, और वहीं इन दोनों राज्यों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार कांग्रेस पर हमलावर होता दिखाई दिया और टारगेट पर लेने लगा मध्य प्रदेश को, तो ऐसे में क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दिया है उसके बाद क्या कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि दरकार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी है, कौन चेहरा सामने आ सकता है? देखिए कांग्रेस में चेहरा वही होगा जिसे गांधी परिवार चाहेगा, ये तय है जी। कोई ऐसा चेहरा नहीं आएगा जो गांधी परिवार की पसंद ना हो। वर्तमान दौर में यही कोशिश चल रही है कांग्रेस के अंदर कि एक ऐसा चेहरा लाया जाए जो जिसके पर्दे के पीछे तो कांग्रेस परिवार रहे जी, सामने रह के वो काम करे। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात कहें तो आप ये तय मान के चलिए कि राष्ट्रीय स्तर पर पुराना खांटी कांग्रेसी ही नेतृत्व संभालेगा जी, और उनमें जो संभावना है वो बुजुर्ग नेताओं की ज्यादा है जी।
कांग्रेस ये बात सही है। हालांकि राहुल गांधी ये साफ कर चुके हैं कि अगला अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो वो गांधी परिवार से नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है, मैं कह रहा हूँ गांधी परिवार से नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति बैठेगा उसके पीछे पूरी कमान गांधी परिवार के पास होगी, ये तय है। और जिनमें नाम आ रहे हैं वो पुराने सारे कांग्रेसी नेता हैं, चाहे सुशील कुमार शिंदे हों, खड़गे हों, मोतीलाल वोरा हों, पाटिल हों, ये जो नाम आ रहे हैं सामने, ये वही लोग हैं जिन पे कांग्रेस या गांधी परिवार भरोसा कर सकता है। कांग्रेस मेरा यहां तक अपना राजनीतिक समझ है या सोच है, वो ये कहती है कि गांधी परिवार किसी भी ऐसे व्यक्ति को मौका नहीं देगी जिस पर वो संबंधित व्यक्ति कांग्रेस पर कब्जा कर ले, या यूं कहें कि गांधी परिवार को किनारे कर दे। इसलिए गांधी परिवार या कांग्रेस यूथ चेहरे पर दाव लगाने से बहुत हिचकेगी, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, और जो जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर बात की जाए गौरव जी, क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी तो उनको दी जाने लगी है और इसको लेकर कयास भी कई लगाए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहा जा सकता है कि कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत से जो पार्टी कामयाब होकर निकलती है उसका रास्ता दिल्ली तक ज़रूर जाता है। तो अब ऐसी प्रियंका गांधी को लेकर बात की जाए, क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ अगला कदम कांग्रेस का होगा, जो कि जिस तरह से देश में बिखरती नजर आ रही है कांग्रेस एकजुट होकर फ्रंट फुट पर आ जाए। देखिए कांग्रेस सबसे पहले तो अपने संगठन में परिवर्तन करेगी, संगठन में कई प्रमुख पदों पर युवाओं को और ऊर्जावान चेहरों को लेकर आएगी। भले राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया हो सकता है आने वाले समय में महासचिव जैसे किसी पद पर राहुल गांधी आकर तो कोई प्रमुख जवाबदारी वहां ले लें और उसको लेकर के काम करें, क्योंकि राहुल गांधी को भी अपनी योग्यता का वहां प्रदर्शन करना होगा। उन्हें आम कार्यकर्ता के साथ साथ पार्टी के समर्थकों को, आम जनता को ये विश्वास दिलाना होगा कि वे कांग्रेस से दूरी नहीं बना रहे, वे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। वंशवाद के आरोपों से मुक्त होकर के वो एक किसी अन्य नेता के उसमें काम कर रहे हैं, भले पीछे से रिमोट उन्हीं के हाथ में रहे। बिल्कुल, तो वो अपने आप को प्रोजेक्शन करने की बात करिए। प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, सचिन पायलट हैं, जितेंद्र प्रसाद हैं, ऐसे कई सारे नेता हैं जो युवा हैं, जितेंद्र जी, ये सारे के सारे काम करेंगे और उन्हें अलग अलग जवाबदारी सौंप दी जाएगी महासचिव उपाध्यक्ष के पद पर ला करके। प्रियंका गांधी जैसे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को दे दी, तो बाकी कोई अन्य राज्य की जवाबदारी भी ऐसे प्रमुख नेता को दे दी जाए। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपनी आइडियोलॉजी में कोई परिवर्तन करने की बात जनता के सुझावों के साथ कांग्रेस करेगी, मुझे ऐसा महसूस। बिल्कुल, और सौरभ जी, संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गौरव जी आप भी जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, हालांकि चर्चा आगे बढ़ाते हैं लेकिन वक्त बहुत कम है। और जिस तरह देखा जाए प्रियंका गांधी को लेकर नई जिम्मेदारी सामने आई है, तो वहीं मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे, चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है और कहा जा रहा है कि एक अलग अंदाज में जो है उनको जिम्मेदारी देने के बाद कांग्रेस की एक अलग नई तस्वीर निकल कर सामने आएगी। हालांकि अध्यक्ष पद पर आलाकमान कोई फैसला करता है तो सिंधिया का नाम फहरिस्त में होगा मध्य प्रदेश में लेकर, और एक बड़ा सवाल यही बना है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष होगा तो कौन होगा, वो चेहरा कौन है। हालांकि जिस तरह देखा जाए तो इस बात पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है राहुल गांधी ने कि अगला अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कोई होगा वो अलग होगा, क्योंकि गांधी परिवार से नहीं होगा। इसको लेकर जो है अटकलों का बाजार लगातार गर्म है, कई कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बदलाव के कवायदों के बीच जो है कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही, आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी और आगे क्या कुछ बदलाव के साथ कांग्रेस अब जो है सियासी मैदान में उतरकर सामने आएगी। बात मुद्दे की फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।